एकदम कॉशन डाल दिया था कि अगर कुछ आता है तो प्लीज माफ कर देना, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि मैंने बना लिया है चाय, और वो भी ग्रीन टी। आज सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, और अब से ग्रीन टी सुबह सुबह मोस्टली पीऊंगा, क्योंकि सुबह का जो चाय पीता हूँ ना, वो चाय तो वैसे नींद खुल जाती है, उसके बाद डिटॉक्स करने के लिए अब से ग्रीन टी रेगुलरली। सो अभी मेरे सुबह से लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, आज 12:45 हुआ है। अभी जस्ट उठ के खाना पीना खा के आके बैठा हूँ मैं और वेलू। तो वेलू और मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। और मैं कपड़े पर बहुत कम पहनता हूँ, एक टी शर्ट पहन के रखा है, तो इसलिए मेरे को ठंड लग रही है। तो मैंने वेलू को जगड़ लिया, फिर गर्मी आ जाएगी। वेला से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। बेसिकली कल वाला जो वीडियो था वो एडिट हो चुका है, और एडिट होने के बाद मेरे को ना कुछ कुछ इसमें ग्लिच आ रहा है, पता नहीं मतलब अच्छे से चल नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या होगा। अभी एडिट तो हो चुका है, अब इसको अपलोड पे लगाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो इसको अपलोड पे लगा दिया, आज सुबह सुबह जैसे 8 बजे गया नहीं है, और 17 तारीख है, 17 तारीख को 8 बजे आज वीडियो नहीं गई है। वैसे बहुत स्पीड से तो ये अपलोड हो रही है, कुछ 40 GB की फाइल है, और ये दिखा रहा है 5 मिनट में कम्प्लीट हो जाएगी, जो कि 28% हो भी चुका है, और बातें करते करते 29% हो रहा है, क्योंकि इधर ये जो वायर है ना, ये वाला वायर लगाते बहुत स्पीड से यहाँ पर इंटरनेट मिलता है। और मैं पहले ही बता रहा था कि गुड़गांव में बहुत अच्छे से इंटरनेट मिलता है मेरे को, तो यहाँ पे तो सच में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और पहले मैंने सुना था कि प्रोसेसिंग का टाइम भी दिखाने लग गया है, और अभी के लिए प्राइवेट रखता हूँ, बाद में इसको चेंज करूँगा मैं, और प्राइवेट कर दिया, देखते कितने टाइम लगता है। और हाँ, मैंने जो बताया था प्रोसेसिंग का टाइम भी देने लगेगा अब यूट्यूब, जो मैं पहले दिखाता बस अपलोडिंग टाइम इतना है, और प्रोसेसिंग टाइम ही दिखाता, तो अभी 5 मिनट में ये हो जाएगा, उसको हो जाने के बाद देखते हैं प्रोसेसिंग टाइम दिखाता है या नहीं दिखाता है। सो मैंने अपना वीडियो तो ऑन कर दिया है, मतलब दे दिया है अपलोड पे, और अभी देखो मैं जो खा रहा हूँ ये है बसक का खट्टा मीठा, बहुत ही टेस्टी लगा मेरे को, बहुत टेस्टी। उसका तो मैं खुद ही देख रहा हूँ व्लॉग सही आ रही है नहीं आ रही है, तो देखा कि वो तो प्रॉपर आ गई है, जो कि मेरे को एडिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें कोई भी ग्लिच नहीं है। फिर भी मैंने एकदम कॉशन डाल दिया था कि अगर कुछ आता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, थैंक यू सो मच। और आपने प्यार दिखा भी रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो इसको मैं खाना खा लेता हूँ, मतलब ये खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। देखो जी, कल वाला वीडियो पे तो देखा कुछ नहीं हुआ था, तो आज वाले वीडियो के लिए फिर से मैं एडिट करने बैठ चुका हूँ, और इसको एडिट करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उससे बढ़िया बढ़िया फुटेज। और हो सके तो ये वाला वीडियो को आखिर तक देखना, तब आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जो कि इस फुटेज के बारे में रहेगा पहले से या फिर बाद में बता रहा हूँ, तो बना लेता हूँ। यार अभी 8:07 टाइम हो चुका है, ये तो अपना काम करते रहेगा, मगर मेरे को अभी बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि रूम में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रहा हूँ कि बाहर से आधा घंटा घूम के आऊँ, फिर आके पढ़ने बैठूंगा। अभी आज तो पढ़ाई भी अच्छे से हुआ है, एडिट भी अच्छे से हुआ है, और क्लास भी हुआ है, सारे काम आज हो गया है। अभी थोड़ा सा बाहर से घूम के आता हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग सच में खराब हो जाएगा। और बेला को भी मैंने बुला लिया, बेला चलो तुम भी चलोगे? तुमको तो अभी बेला को बाहर नहीं ले जा सकते, पता नहीं यहाँ पे इंडिया मतलब ये हरियाणा में ऐसा रूल आ गया ना, किसी भी डॉग का भी बाहर नहीं ले जा सकते, अगर बाहर ले जाओगे तो आपको उस टाइम पे आपका फाइन भी हो सकता है, या फिर आपका डॉगी उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको बाहर नहीं ले जाते। बहुत बुरा लगता है अगर ये अगर चली गई ना हमारे घर से, तो मम्मी पापा का खाना पीना बना बंद हो जाएगा, ये तो मेरे को पता है, इसलिए इसको सेफली घर में रखते हैं। और ये ना बाहर जाती भी नहीं है, मतलब जिद भी नहीं करती है कि मेरे को बाहर लेके चलो, क्योंकि तो गर्मी के दिन में कभी कभार जिद कर लेती थी, पर सर्दी आने के बाद से तो इसको पूरे दिन बिस्तर के ऊपर ही दे दो, पूरे दिन बिस्तर पे रह सकती है। अब यही है, अब इसका लाइफ स्टाइल ऐसे ही चल रहा है, चलने देते हैं इसको भी ऐसे ही। सो जैसे कि एडिट कर रहा था, एडिट करते करते एकदम से क्लास चालू हो गई थी, क्लास भी खत्म हो गई, आधे घंटे में क्लास खत्म, और एडिट भी पूरा हो चुका है कम्प्लीट, तो 1 घंटा 2 मिनट 32 सेकंड दिखा रहा है, कोई नहीं, ये आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगा अपलोड करने में 2 मिनट लगता है, और बस आज एडिट एडिट हो जाए यही बड़ी बात है। सुबह
थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने कुछ गाना डाउनलोड किया था और उसको अपलोड किया था, मगर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है तो इसको मैं फिर से लगा दिया है, तो ये हट जाएगा थोड़ी देर में। सो रेडी हो चुके जूता वूता पहन के, अभी निकलते हैं और बेला उस रूम में सो रही है तो उस रूम में सोने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं ज़्यादा अंधेर हो गया फिर बेला बाहर कैसे आएगी, सुसु पटी आएगी तो तभी चलते हैं। सो अभी चाय वाय पी के निकल पड़ा हूँ, अभी जाना है मेरे को बेला के लिए फूड लेना है जो कि ना मतलब उसका ओरल क्या बोलते उसका लीवर टॉनिक, तो देखते हैं लीवर टॉनिक मिलता है तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो वापस चले जाएंगे। सो देखते हैं इस वाले क्लिनिक पर मिलते। सो फाइनली मैं तो आया था शॉप के पास मतलब शॉपकीपर के पास और बेले के लिए ये लिप 52 लेके जाते हैं जो कि हिमालयन का आता है, मगर यहाँ पे लिप 52 मिला नहीं, लिपिट मिल गया, यही लेके अभी घर जाएंगे। सो अभी फाइनली घर पे आ चुका हूँ रूम में, मतलब घर पे आने के बाद अभी शूज़ वगैरह खोलते हैं और चाय बनाते हैं क्योंकि पापा आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, पापा भी चाय पियेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मीटिंग भी करना रहता है घर वालों के साथ, तो वो भी करेंगे। बस शूज़ मैंने बहुत टाइट किया है, अभी खुल भी नहीं रहा है और इसीलिए मेरे को पैर पे ठंड नहीं लगी, और ये जो है ना सॉक्स ये ख़राब हो चुका है, इसका इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये खोल लिया है। यहाँ पे ये दोनों को रखते हैं ऊपर और मम्मी वाले को भी रखते हैं ऊपर, तो अभी चलते हैं अंदर। हेलो कम 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 आ गया मैं आ गया। ब्लॉग अगर यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर हो सके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं ना कितने अच्छे क्वालिटी में चेंज ला चुका हूँ और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी वाला ब्लॉग आएगा, तो मिलते रहना। अगर इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो छोटा सा फैमिली का पार्ट बन जाओ, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ये रहा हैंडल, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स आ रहा है कुछ दिनों से, तो जाओ और चेकआउट करो, फॉलो कर लो, बाय बाय, जय हिंद।